नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का, पूरी YouTube फैमिली और जो लोग नए हैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने गार्डनिंग चैनल हरियाली द वनस्पति में। दोस्तों, 8 फरवरी को मैंने हमारे देश की राजधानी दिल्ली से, नई दिल्ली से मैंने प्लांट्स की कुछ शॉपिंग की थी एक नर्सरी से, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ प्लांट्स लिए थे, वो हैं दोस्तों, एक तो मैंने ये लिया था जनाडू इंडोर प्लांट, और एक मैंने लिया था बहुत ही हेल्दी जेड प्लांट। दोस्तों, ये एक जेड प्लांट लिया था, ये है वो, पॉलिथिन में ही लगा हुआ है। और ये लिया था एक पाइन प्लांट, एक पाइन ट्री जो होते हैं उसका एक छोटा सा रूप पाइन। और एक मैंने लिया था दोस्तों पीस लिली। पीस लिली भी कई तरह के थे, लेकिन मैंने ये छोटा प्लांट लिया था, ये प्लास्टिक के छोटे से पॉट में लगा हुआ है, साइज में छोटा है। और दोस्तों, एक मैंने लिया था अभी पिछले वीक दिल्ली में, एक गार्डनिंग पर एक इवेंट हुआ था, उसमें से मैंने ये लिया था एक सकुलेंट पर्ल ऑफ स्टिंग। ये सकुलेंट प्लांट है, एक ही मैंने प्लांट परचेज किया था दोस्तों वहाँ से। और इस तरह से ये कुल 5 प्लांट्स हो गए हैं, 5 प्लांट हो गए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी दोस्तों। और मैं कहीं जाऊं और प्लांट्स की शॉपिंग ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने दिल्ली से शॉपिंग की थी और मैंने सोचा आपको भी बताऊं। दोस्तों, हम कभी भी किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ से, वहाँ की यादगार के तौर पर कुछ प्लांट ज़रूर अपने साथ लाना चाहिए, उससे हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। उसके अलावा प्रमोशन हो जाता है प्लांट्स का, वनस्पति फैलाने का, वनस्पति का एक प्रमोशन हो जाता है। और हमें जो है दूसरों को भी हम ये मैसेज दे पाते हैं कि हमें प्लांट्स को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी शॉपिंग आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी आप दिल्ली जाएं, आप भी अपनी देश की राजधानी से ज़रूर कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करें। और दोस्तों, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, आप कितना करते हैं मुझे विश्वास है कि आप भी करते होंगे, पर मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं। और मैं जो हूँ इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।